दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है, इब्राहिम रईसी बने ईरान के नए राष्ट्रपति। ईरान के कट्टरपंथी नेता और न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मोहसिन रेजाई को भारी मतों से हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। मतगणना पूर्ण होने से पहले ही राष्ट्रपति चुनाव के अन्य तीन उम्मीदवारों द्वारा हार स्वीकारे जाने और आंकड़ों को देखते हुए उन्हें ईरान का आठवां राष्ट्रपति मान लिया गया है। वे उदारवादी माने जाने वाले निवर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी का स्थान लेंगे। 90% मतों की गणना पूरी होने तक रईसी कुल 28.6 मिलियन मतों में से 17.8 मिलियन मत प्राप्त कर चुके हैं। कट्टरपंथी नेता और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर इन चीफ मोहसिन रेजाई 3.3 मिलियन मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रपति चुनाव के एकमात्र उदारवादी उम्मीदवार और सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख अब्दुल नासर हिम्मती 2.4 मिलियन मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। रईसी के राष्ट्रपति बनने से अब ईरान की प्रशासनिक शक्तियों के साथ साथ सभी सरकारी हथियारों तक कट्टरपंथियों की पहुँच आसान हो जाएगी। इब्राहिम रईसी को ईरान के सबसे बड़े पद सुप्रीम लीडर का भी दावेदार माना जा रहा है। 82 वर्षीय आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर हैं। वर्तमान राष्ट्रपति चुनाव में रईसी को सुप्रीम लीडर का समर्थन प्राप्त था, जिससे उनकी जीत और आसान हो गई।